नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है और नीतीश कुमार लगातार 15 साल के कामकाज को गिना रहे हैं और इस बार उनके तरफ से जो मुद्दा बनाया गया है वो भी 15 साल बनाम 15 साल का है। लगातार जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में तरक्की दिखती है और नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा है। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लगातार तस्वीरें साझा की जा रही है, उसके साथ वीडियो बनाकर भी पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि बिहार की जनता को 15 साल का हिसाब किताब दिया जाए। किस तरीके से बिहार में सड़कें जो कि पहले बदहाल थी, सड़कों का विकास हुआ, उनकी मरम्मत हुई और नई नई सड़कें बनाई गई, इसके साथ अलग अलग योजनाएं किस तरीके से बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाती रही है। महिलाओं की बात करें, स्कूल के छात्राओं की बात करें, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में हर एक सेक्टर में विकास हुआ है, ये लगातार जेडीयू दावा कर रही है। और इसके साथ वीडियो बनाकर भी जिस तरीके से शेयर किया जा रहा है उससे नीतीश कुमार के शासनकाल की तरक्की दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष भी लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक फोटो शेयर की जिसमें नीतीश कुमार की तरक्की वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ये फोटो जो है वो शेयर किया है और सबसे पहले आप देखिए कि तेज प्रताप ने लिखा है, 15 साल बाद भी तरक्की नीचे बैठी रह गई चचा, देख लो। तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को ही चचा बोलते हैं और उन्होंने बोला कि आप जो 15 साल की बातें कर रहे हैं वो आप खुद देख लीजिए कि आपकी जो तरक्की है वो नीचे बैठी है। अब ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, तो ये तस्वीर देखिए जो तेज प्रताप यादव ने पोस्ट की है। तस्वीर में आपको जो पीछे गाड़ी दिख रहा होगा ये प्रचार गाड़ी है, जेडीयू की तरफ से पटना के सड़कों पर घूम रही है और यूँ कह ले तो नीतीश कुमार के 15 साल का जो शासनकाल है उसका हिसाब किताब भी दिखाने की कोशिश इस तस्वीर के जरिए हो रही है, इस प्रचार गाड़ी के जरिए हो रही है। गाड़ी के चारों तरफ आप जो बैनर देख रहे होंगे, पोस्टर देख रहे होंगे, उस पर लिखा है तरक्की दिखती है और इसके साथ जेडीयू से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें और ये नंबर दिया हुआ है। यानी कि जेडीयू अपने प्रचार के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल करती है और पटना की सड़कों पर आप इस गाड़ी को देख सकते हैं क्योंकि चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक उनके साथ जुटें क्योंकि इसका लाभ सीधे चुनाव में होगा। आप ऊपर देखिए, बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेगी, तो ये जो ऊपर लिखा है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेगी, नीतीश कुमार ये जो प्रथा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो जेडीयू की तरफ से रखी जा रही है और पोस्टर्स के माध्यम से, प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेडीयू के साथ जुड़े। लेकिन अब तेज प्रताप ने इसमें ट्विस्ट ये ला दिया कि फोटो तो उन्होंने शेयर कर दी और इसके साथ ये जो व्यक्ति बैठे हैं काफ़ी बूढ़े नजर आ रहे हैं, इनके तन पर कपड़े नहीं हैं, गरीब है। यानी कि बिहार के, ऐसा तेज प्रताप बता रहे हैं कि जो युवक बैठे हैं वो बिहार के हैं और पीछे जो प्रचार गाड़ी दिख रही है उसमें लिखा है तरक्की दिखती है। अब तेज प्रताप यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इसी तरक्की की बात करते हैं, तो वो उन्होंने, तेज प्रताप यादव ने ये लाइनें भी लिखी हैं कि 15 साल बाद भी तरक्की नीचे बैठी रह गई चचा। अब तेज प्रताप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की तरक्की ये है। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से ये हमला किया गया है और सिर्फ तेज प्रताप नहीं, खुद आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर अगर हम जाएं तो आरजेडी ने भी इस तस्वीर को पोस्ट किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आरजेडी ने भी लिखा है, तरक्की वो नहीं जो सरकारी प्रचार पाए गोदी मीडिया के चैनल दिखाए, हमारे अनुसार तरक्की वो है बिहार की आधी आबादी यानी कि गरीबों के तन पर कपड़े, भरपेट अनाज, सर पर छत, मन में अच्छी शिक्षा के बल पर पनप रहे विचारों की झलक, विचारों से झलकती है नीतीश की तरक्की की हकीकत सचमुच इस फोटो में दिखती है। तो तेज प्रताप यादव ने भी इस फोटो को शेयर किया और ये बताने की कोशिश की कि क्या यही नीतीश कुमार की तरक्की है। हालांकि जेडीयू की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है और इसके साथ जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आंकड़ों को पेश किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वाकई बिहार में विकास पर काम हुआ है और ये सिर्फ नीतीश कुमार यूं ही नहीं कहते, जेडीयू के पास तमाम आंकड़े भी हैं।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत अब क्या करवट लेती है, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से दावे किए जाते हैं तो विपक्ष की तरफ से हमला भी उसी रफ्तार से होता है। बिहार की सियासत में नया एंगल क्या होगा और चुनाव में नतीजा क्या आएगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।